उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी चीनी मिल मालिकों को किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान करने के तुरंत आदेश दे दिए हैं। वहीं आज हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद के मोदी शुगर मिल जाकर किसानों से बातचीत की तो वहीं किसानों ने अपनी समस्या को बताया और कहा कि गन्ने का कोई भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। विदर्भ जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश दिए थे कि सभी चीनी मिल मालिक बकाया भुगतान गन्ने का किसानों को जल्द से जल्द करें, क्योंकि गेहूं की बुआई का समय आ रहा है। तो किस प्रकार से आप यहाँ मोदी नगर के आप विधायक भी हैं, किसानों का कहना है कि गन्ने का भुगतान नहीं मिला अभी तक, क्या मजबूरी है हमारे? योगी जी की एक अच्छी नीयत है कि पूरे प्रदेश की जो शुगर मिल है अच्छे से सुचारू रूप से चलें, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और किसान को समय पे उसका पेमेंट मिलता रहे। लेकिन आपको भी पता है कि पिछले कई सालों से, बीसों सालों से शुगर मिल का हिसाब किताब सबका गड़बड़ चल रहा था। सरकारी शुगर मिल औने पौने दामों में बेची जा रही थी और जो प्राइवेट मिल है उनकी अपनी मनमानी चल रही थी। जब सिस्टम इतना कुछ बिगड़ जाता है तो उनको व्यवस्था में लाने में, ठीक होने में समय लगता है। निश्चित ही योगी जी ने बहुत सारी मिलों का पेमेंट कराया है, हमारे किसानों को बहुत सारा पेमेंट मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, और मिलों की स्थिति भी सुधरी है। सरकारी मिलों का उच्चीकृत करा गया है। अभी आदरणीय योगी जी रमाला मिल में आए थे और सरकारी मिल को उच्चीकृत करके गए। सरकारी मिलों में सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है, तो सरकार उसमें जो भी चाहे वो कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट मिल होती हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्ट अंदर जाके उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा जाता। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने पिछले साल एक साल के लिए योजना चलाई थी कि जो शुगर मिल्स हैं उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए। मैंने अपने लेवल से भी, आदरणीय गन्ना मंत्री राणा जी ने भी और मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी मिलों को ये कहा था कि आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख लें और उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी, क्या नाम है सर आपका? भगवत सिंह। कौन से गांव के रहने? सिकेटा हजारी। कौन सा जिला? गाजियाबाद जिला। अच्छा, हमने देखा है कि आप मोदी शुगर मिल पर गन्ना लेकर आए हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? भुगतान पिछला साल का हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। क्या कहते हैं मिल मालिक? मिल मालिक कहते हैं हमें घाटा आ रहा, घाटा का माल पहली बेच के अपने दोहरे कर ले, किसानों को देने का मतलब नहीं है कुछ। प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश भी देते चीनी मिल मालिकों को कि गन्ने का भुगतान तुरंत करें, अजी सरकार भी नहीं की है, किसानों को कौन सुन रहा है? सरकार भी मिल मालिकों की है। किस प्रकार की दिक्कतें आपको घर चलाने में आ रही? जी सारी दिक्कत आ रही है जी, दूसरी फसल बोनी है, ब्याह शादी है, कुछ नहीं, नलकूपों का वो है, तहसील का जो लोन ले रखा उस पर डबल हो रहा, आरसी कटन लग रही है किसानों की। जिस तरह से अभी आपको भुगतान नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद आप गन्ना मिल को दे रहे हैं, मजबूरी हो रही है जी देने की। कलेसर जो लग रहे हैं वे 200 रुपये क्विंटल ले रहे हैं, मजदूरी भी नहीं मिल रही इसकी हमें, ये मजबूरी हो रहा। क्या नाम है आपका? राजू। राजू आप कौन से गांव के रहने वाले? अमराड़ा। जिला गाजियाबाद? जिला गाजियाबाद। अच्छा, हमने देखा आप गन्ना लेकर आए हैं मोदी शुगर मिल पर जी, आपको क्या भुगतान मिल रहा है? भुगतान नहीं मिल पा रहा। कितने दिनों से नहीं मिला? बहुत देर, पिछले साल से मिला ही नहीं है, थोड़ा सा मिला ये एक डेढ़ महीने का, वो भी 7-7 दिन का करके दे रहे हैं कभी कभी, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। घर चलाने में दिक्कत आ रही है? बहुत, घर चलाने में भी दिक्कत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई में भी, खेती बाड़ी में, बीज खाद सब लोन ले रखा हुए बैंक वाले, जो आरसी काट दे, तहसील में जाओ वहाँ जाओ हमें। अच्छा, जैसे प्रदेश की योगी सरकार ने मिल मालिकों को कहा है, चीनी मिल मालिकों को कहा है कि किसानों का बकाया भुगतान तुरंत करें जी, तो क्या वजह माने क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, योगी सरकार ने कह तो दिया, करवा तो रहे ना, फिर कोई एक बार कह दिया फिर कोई सुनता ही नहीं, ना मिल मालिक सुनते ना सरकार सुनती।